दिनांक 1 सितंबर को सुबह 6 बजे दुमका मसानजोर ओपी क्षेत्र के दुमका मुख्य मार्ग के पास ट्रक चालक से बिना नंबर के सफेद बोलेरो पर सवार 7 अज्ञात अपराधियों के द्वारा 40,75,000 रुपए की छिनताई की गई। गवाह ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक के खलासी से पूछताछ किए गए एवं घटना स्थल के पास की स्थिति का विश्लेषण दोनों टीमों द्वारा सूक्ष्मता से की गई। अंततः पूछताछ के बाद किस प्रकार यह घटना लूट अथवा डकैती की नहीं बल्कि ड्राइवर खलासी दोनों के द्वारा षड्यंत्र कर रुपए के गबन करने के नियत से डकैती का झूठा कहानी बनाया, आगे आप देख पाएंगे कैसे पूरे चाल को दिया अंजाम। इसी के साथ आइए आपको दिखाएं P3 न्यूज झारखंड के लिए दुमका से सुरेश प्रसाद की एक रिपोर्ट। ये घटना कल 1 तारीख को प्रतिवेदित हुई थी। जैसा कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, निशा बागदी नाम का एक ड्राइवर था जो कि देवघर से चला था और उसके मालिक द्वारा उसे पैसे कुछ दिए गए थे, 40 लाख से ज़्यादा पैसा कैश लेके चल रहा था। मासनजोर के पास आकर के थाना प्रभारी के पास शिकायत किया कि हमारा जो है कि लूट हो गई है और 40,75,000 का लूट बताया जा रहा था। तो हम लोग केस जो पुलिस को जो है कि केस किया गया और इस इन्फॉर्मेशन पर 395 पर केस किया गया, डकैती रोड डकैती का एक कांड दर्ज किया गया और उस कांड दर्ज करने के पश्चात जो है कि तहकीकात में पुलिस लग गई। एक टीम उसमें गठित किया गया जिसमें पुलिस साइबर समद जी थे, उसके बाद DSP हेडक्वार्टर गुप्ता जी थे और दोनों के अथक प्रयास और थाना प्रभारी मुफस्सिल के अथक प्रयास से ये पता चला कि ये जो व्यक्ति था, जो ड्राइवर था, इसी ने एक षड्यंत्र रच करके अपने एक रिश्तेदार के पास में ये अपना ये जो कैश है ये छिपा दिया था। क्योंकि ये कांड हुआ था मासनजोर में जैसे बताया था, तो हम लोग को ये बात का शक हो गया कि ये चूँकि ये 3 घंटे बाद जो है कि थाना के पास ही कांड के बारे में बता रहा था और कांड के बाद जो है कि थाना में 3 घंटे बाद आया, तो इस 3 घंटे के बारे में उससे पूछताछ किया गया। गहन पूछताछ में बताया कि हमने जो है कि अपना मामा ससुर है उस रानेश्वर थाना में, उसके यहाँ ये पैसे जो है कि रख दिया था और पैसे वहाँ से बरामद कर लिया गया। मेरे ख्याल से 10 घंटे के अंदर ही बरामद किया गया और इसमें DSP हेडक्वार्टर एवं DSP साइबर एवं अन्य जो थाना प्रभारी, इनका अहम रोल है। और इसके पश्चात जो है कि कांड का जो है उद्भेदन करते हुए दोनों जो व्यक्ति हैं, एक जिसमें कि विधन निशा बागदी एवं विधान बागदी, ये दोनों सथैया के हैं, बीरभूम जिला के हैं, सैथिया के हैं, और ये इनको गिरफ्तार करके आज जो है कि फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और 40,75,000 ये नगद जो है नगद वो एज इट इज़ जो है कि उसके घर से बरामद कर गया। 2 बोरा में रखा गया था इसको और दोनों बोरा में अलग अलग कैश रखा गया था। उसके बाद इसने ज़रूर उस कैश को जो है एक प्लास्टिक का कंटेनर में डाल दिया था और उसके बाद खोजने पर वो जो है कि बल्कि उसने ने अपना कन्फेशन में बताया भी कि हमने छिपाने के नियत से जो है कि कंटेनर में डाल करके उसको निकाल लिया था। सर ये उसका ये नहीं, हाँ वो देखिए मसनजोर थाना जो क्षेत्र है ये पूर्व में भी पिछले 1 साल पहले यहाँ पर बड़ा एक लूटकांड भी प्रतिविधित हुआ था जिसका जो है खुलासा भी हुआ था। इसके पश्चात वहाँ पर ये जो रोड है इस रोड पर भी कई वारदात पूर्व में हुए थे और इसमें ज़रूर जो है कि अपराधी पकड़े गए थे। तो इस संबंध में जो है कि हम लोग यहाँ पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो है कि प्रिवेंटिव एक्शन भी इसमें लिया जा रहा है, परंतु ये लूट का कांड नहीं है। बेसिकली ये जो है कि षड्यंत्र था और इसके द्वारा ये लूट का कांड दिखाया गया और इसमें जो है कि थाना को जो है कि एक गुमराह किया गया, पुलिस को गुमराह किया गया और उसके बाद में जो है कि ये उसको जो पूछताछ के क्रम में और टेक्निकल हमारे जो स्रोत होते हैं उससे हमें ज्ञात हुआ कि यही जो है व्यक्ति इसमें षड्यंत्र में शामिल था और इसके जो पैसे थे ये हम लोग जो इसका जो मालिक है पैसे का, तो उसको भी बुलाया गया और साथ में उनको जो है कि उसको सामने जो है कि पैसे के सामने उसको गिनाया गया, बताया गया कि यही पैसा है, तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि नहीं यही पैसा इनको दिया गया था। सर, पत्तावाड़ी से